दुनिया स्वर्ग में बनी, लेकिन धरती पे शादियां हमसे बनी। मंडप मेहंदी खाना पीना डोलियों के संग, हमरे कारण तुमरे घर में खुशियों के रंग। आप भी आना संग चाचा चाची मामा मामी लेके आना। आप भी आना, गिफ्ट भी लाना, जूते चप्पल और दिल को बचाना। अब तो ढोल बजेगा और धूम मचेगी, अब तो ढोल बजेगा। दुम, 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 दुम। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराती, हम सब बाराती, हम सब बाराती। माँ बाप दादा दादी हम सब ने की शादी, हम भी करेंगे शादी, करवाएंगे शादी, नचवाएंगे शादी। ये दुनिया शादी का मंडप, हम सब बाराते, हम सब बाराते, देखो हम सब बाराते, हम सब बाराते, होय होय हम सब बाराते, हम सब बाराते, भैया हम सब बाराते। शादी में जरूर आना। प्यार उम्र नहीं देखता, ऐसा हमें बड़े ज्ञानियों ने सिखाया है और हिंदी फिल्मों में अक्सर दिखाया है। जब 50 साल के बूढ़े को हम 18 साल की लड़की के साथ देखते हैं या वाइस वर्सा, तो मन ही मन मुस्कुराते हैं और गाते हैं वाह वाह राम जी। बस इसी तरह की एक जोड़ी गलती से हमारे बाराती परिवार में बनने जा रही थी, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए। भाभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा था वरणागी 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 वरणागी। क्या अटक रही क्या सुई वरणागी वरणागी, ये क्या है? 7,000 का बिल है, तुम फिर से मेकअप का सामान लेकर आई हर्षा। ओ डार्लिंग, गुजराती माँ कौन है तो कुछ कहने जैसा ही नहीं है। ये 7,000 का सामान है ना, मुझे सेल में मिला है, इसकी ओरिजिनल प्राइस सुनोगी ना तो गिर जाओगे तुम। अच्छा क्या है ओरिजिनल प्राइस? 7,500 रुपए। क्या बात कर रही हो तुम? हे भगवान, जहर सेल में क्यों नहीं मिलता? क्या इतने साल तुम्हारी सेवा की, उसका ये बदला दे रहे हो मुझे? क्या क्या बदला, क्या ऐसा क्या कर दिया मैंने तुमको? अरे खा खा कर एक तो मोटी होती जा रही हो, देखो। हे भगवान, ऐसे आदमी के साथ शादी करने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं दे दी तूने? हे भगवान प्लीज प्लीज मेरी बीवी की मनोकामना पूरी करो। अगर मैं इतनी बुरी लग रही हूँ ना तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? वापस दे दो जो कुछ भी मैं मायके से लाई हूँ। वो वापस तो तुम करो, जो खर्चा मैंने तुम पे किया है ना, 15 साल से पाल पोस के बड़ा किया है मैंने तुम्हें। तुमने फिर से हिसाब किताब शुरू कर दिया? मैंने किया? तुमने किया? तुमने किया? तुमने किया, मायके से जो ले वापस, किसने बोला? क्यों अभी क्यों पकड़ी गई तुम? हाय मेरे कमिंग। जोजो हटो। अरे जोजो कब आया तू? और वर्षा कैसी है? आपकी छोटी बहन बिल्कुल ठीक है, जिसका मेरे जैसा देवर हो वो तो खुश होगी ही ना। हाय। अरे आओ 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 आओ। Hi Dad, how are you? Dad? अरे भाई तुम्हारा एक ऑलरेडी पिता है ना, फिर मुझे क्यों डैड कह रहे हो तुम? Oh no, मेरा मतलब था कि ड्यूड यानी यंग बॉय। अरे इस 5,000 साल की बुड्ढी का मैं पति हूँ और तुम मुझे यंग बॉय कह रहे हो? लगता है आज नद्दू भैया का मूड ठीक नहीं है। अरे तुम जाने दो ना, जब भी मैं इतनी शॉपिंग करती हूँ ना उनका मूड खराब ही रहता है। तुम बैठो 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 और बताओ घर में सब लोग कैसे? सुनाता हूँ पहले जी भर के देख तो लूँ मैं आपको। अरे मुझ में देखने जैसा है क्या? तू सुना, तू यहाँ कैसे आया? बताता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी। क्या मैं आपको हर्षा कह सकता हूँ? हर्षा? अरे पहले तो तू मुझे आंटी बुलाता था। आप जैसे यंग और ब्यूटीफुल वुमन को आंटी कहना एक इंसल्ट होगा। अच्छा ठीक है ठीक है, हर्षा बुला। ओके हर्षा, मैं यहाँ नौकरी के इंटरव्यू के लिए आया हूँ। एक बार मेरी नौकरी पक्की हो जाए मैं चीची से शादी कर लूंगा। चीची? मेरे फियांसे। अच्छा अच्छा गर्लफ्रेंड। और मैं भी कभी मिला हूँ ना, कैसी है वो? जैसे भी है, पर आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है वो।
पगले तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। अरे अर्षा चलो, बहुत भूख लगी है। आ रही हूँ डार्लिंग। डार्लिंग आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज आइटम बनाई है। अच्छा, क्या? ये लो। ये सरप्राइज है? अरे फिर से आज खमन ढोकला, हर रोज बनाती हो तुम। वाओ, खमन ढोकला, सच आप तो बावर्ची नंबर वन है। इनके हाथ का बनाया हुआ खमन ढोकला जो भी कोई खाएगा ना, वो पानी नहीं मांगेगा। हाँ, डायरेक्ट मर ही जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। मेरा मतलब है कि इनके हाथ का बनाया हुआ खमन ढोकला तीखा नहीं बल्कि स्वीट है, बिल्कुल इनकी तरह। गुजराती में कहो तो क्या मैं इतनी स्वीट हूँ? अरे अब स्वीट नहीं, स्वीट डिश है। ए, क्या फेंक रहा है? स्वीट डिश नहीं है, मिर्च है, मिर्च, हरी मिर्च, जिसको देखते ही आंख में पानी आ जाए। तुम चुप रहो, जो जो तुम बोलो। अरे मैं क्या कहूँ, आपकी जितनी तारीफ की जाए वो सब कम है। भैया आपके खाने बनाने का अंदाज, आपकी बात करने का अंदाज, आपकी मासूमियत और आपकी खूबसूरती। जो जो गुजराती में कहूँ तो क्या मैं यंगस्टर दिखती हूँ? गैंगस्टर लगती हो, गैंगस्टर। तुम चुप रहोगे? Forget about what he says. बैठो। बोलो, तुम बोलो। अरे मैं तो कहता हूँ आप सलवार कमीज छोड़ के वेस्टर्न आउटफिट ड्रेस पहनना शुरू कर दो। अरे आप कॉलेज गर्ल लगोगी, कॉलेज गर्ल। लड़के सीटिया बजाएंगे, सीटिया। सोच। अरे मैं तो कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, फिर देखना कि जब आप नथ्थू भैया के साथ कभी बाहर घूमने जाओगे ना, तो लोग आपको बाप बेटी समझेंगे। बैठो, बैठो। अरे क्या बैठो, तुम बैठो इधर, बैठो। क्या भाई, क्या बाप बेटी, क्या तुमने मुझे कॉलेज के टाइम में देखा नहीं है? तभी मैं सलमान लगता था, सलमान। ये बॉडी बनाई थी मैंने, तभी तो मैं शर्ट भी नहीं डालता था। अभी शादी के बाद शर्ट डालनी पड़ रही है, इसको मैच करने के लिए बॉडी खास तौर पर बढ़ाई है मैंने। कभी आना दिखाऊंगा अपने कट्स, अभी भी थोड़े बच्चे हैं। इधर एब्स, सिक्स पैक दिखाता हूँ तेरे को, समझा गया? इनको छोड़ो, तुम बोलो, मेरी तारीफ करो। गुजराती में कहूँ ने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मैंने तुम्हारी और चीची की कुंडली देख ली, तुम दोनों का 36 का आंकड़ा है। क्या मतलब? तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती? अरे बेवकूफ, इसका मतलब दोनों के 36 गुण मिलते हैं। ये तो बड़ी शुभ बात है। ऐसे 36 गुण तो सिर्फ राम और सीता जी के मिले थे। अरे चीची को भी कोई राम किडनैप करेगा? ए अंगद, इसका मतलब ये है कि तुम में और चीची में राम सीता जैसा प्यार होगा और तुम्हारे प्यार से रामायण लिखी जाएगी फिर से। डार्लिंग, आज शाम की जो शादी है ना, उसके लिए मुझे शॉपिंग करने जाना है, तुम मेरे साथ चलोगे? तो फिर यहाँ मंडप कौन बांधेगा, मेरा ससुर? ना तू, तुम मेरे पापा को बीच में मत घसीटो। तुम्हें नहीं आना ना तो साफ साफ मना कर दो। मुझे नहीं आना है। हर्षा जी, क्या मैं? ये क्या कर रहे हो? मैंने क्या? मैं आपके साथ चल सकता हूँ शॉपिंग पे? तू? हाँ ले जाओ, ले जाओ, इसी बहाने शहर घूम लेगा। अरे सामान भी उठाएगा। लेकिन सुनो, रास्ते में हर्षा की उंगली पकड़ के चलना, वरना खोने का डर है। कौन, मैं खोऊंगा? नेवर। अरे भाई तुम नहीं, हर्षा खो जाएगी। क्या शॉपिंग करते वक्त ये सब कुछ भूल जाती है। Oh, Jojo, you are too much, huh? You are 3 months. You are 4 months. You are 5 months. बस, बस, बंद करो ये मच मच। कहाँ गए थे तुम दोनों? जोजो, कब से तुम्हारा चीची इंतजार कर रही है? चीची, तुम यहाँ? अरे, तुमने ही तो बुलाया था, भूल गए क्या? अब चलो। पर कहाँ? अरे घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे अभी बहुत काम है। हाँ? क्या काम क्या है? अरे एक घंटे से चीची इंतजार कर रही है तुम्हारा, जाओ जाओ चीची के साथ घूमने, ऐश करो, जाओ। अरे पर अभी तो अभी हर्षा जी के सामान को सेट करना है, उनके मेकअप की टेक्निक देखनी है, और उनके साथ। ओ भाई, ये भी कोई काम है? ये तुम कभी भी देख सकते हो, हर्षा यही करती है दिन रात, हाँ, पिछले 7 साल से। जाओ इसको लेके जाओ। हर्षा भाभी, आप ही समझाइए ना इसे।
देखो जोजो, और चीची कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे उसको लेके जाओ, खिलाओ पिलाओ घुमाओ, उसको दिल मत तोड़ो। अच्छा आप कह रही हैं तो चला जाता हूँ, लेकिन मैं आपकी हेल्प ना करा पाया इस बात का दुख तो रहेगा मुझे, लेकिन आपकी बात को मैं टाल नहीं सकता, इसलिए जाना पड़ेगा। हाँ जाओ जाओ, चलो। ग्रेट, थैंक यू सो मच हर्षा। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। चलो करो, अगर आप हर्षा चलती है तो कितना अच्छा होता। नहीं अरे इतना टाइम तुम लोग साथ में ही थे ना। हर्षा बाय। बाय हर्षा। हर्षा बाय। अरे उसे बाय बोलो तो वो जाएगा। बाय। चलो बाय 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 हो गया। चलो अभी बाय बाय ना, ये बाय बाय करेगा तो मुझे अपने हार्ट की बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। करवा ही लो, बेटर है। क्या क्या बोला? अरे भाई कोई कुछ बताएगा, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? थैंक गॉड। माँ बता। बताओ माँ बताओ क्या हुआ? देख नत्थू, आज के लिए जोजो की हरकतें ना बड़ी अजीब लगती है। क्यों क्या किया उसने? लोचा से दोस्ती कर ली? अरे नहीं भाई, तू देखता नहीं है क्या आजकल ना जोजो हर्षा। अरे हर्षा की तो बातें मत करो माँ, मैंने अपनी शादी में सबसे पहले आपको बताया था ये डिफेक्टिव पीस है। अरे पूरी बात तो सुनना, आजकल वो हर्षा की हर बात मानता है, उसके आगे पीछे घूमता रहता है। अच्छा ये तो सीरियस मामला है, मुझे उसे बताना पड़ेगा कि बेवकूफ की दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब होती है। अरे भैया आप समझे नहीं, आजकल तो वो चीची से भी नहीं मिलता। कौन जोजो? हाँ। अरे तो अभी जोजो और चीची का प्रॉब्लम है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देख नथू, क्या है कि आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, किसी को किसी से कहीं भी प्यार हो जाता है। ये अपने वर्मा जी है, उनके बेटे को अपने ऑफिस के एक कलीग से प्यार हो गया। वो भी उससे उम्र में बड़ी है क्या? माँ वो लड़की नहीं लड़का है। देख नथू तू संभाल के रहना, चंदू ठीक कहता है आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। अरे माँ चंदू भैया आप लोग खाम का बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अरे वो जोजो अभी बच्चा है, अभी वो हर्षा के साथ थोड़ा ज्यादा घुल मिल गया तो क्या? अरे आखिर वो हर्षा की बहन का देवर है, थोड़ा वक्त उसके साथ ज्यादा बिता रहा है तो इट्स ओके। थोड़ा वक्त? 24 घंटे में से 16 घंटे उसके साथ बिता रहा है, ये थोड़ा वक्त है नथू? देख नथू तू जाग जा वरना बहुत बुरा वक्त आएगा बेटा। क्या बुरा वक्त आ सकता है माँ, मेरी ये शादी टूट जाएगी यही ना। ये बुरा नहीं, ये तो अच्छा वक्त होगा। फिर दोबारा शादी होगी फिर बुरा वक्त शुरू होगा ना। ये लो जोकर, आई मीन जोजो, मैं जीत गई। मेरा तो मन करता है कि मैं हारता रहूं हारता रहूं हारता रहूं, और आप जीतती रहें जीतती रहें जीतती रहें। अरे तू तो पागल है पागल। सच मुझे तो आपके साथ इतना मजा आता है कि कभी कभी लगता है कि मैं पिछले जन्म में मैं दुष्यंत हूँ और आप शकुंतला। शकुंतला? शकुंतला तो हमारी काम वाली का नाम है। और दुष्यंत? दुष्यंत हमारे वॉचमैन का। जोजो गुजराती माँ का उन्हें तो यू आर टू फनी हो। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। कौन सी? क्या आप अपनी शादी से खुश हैं? क्या नत्थू भैया आपको खुश रखते हैं? उनका तो भाई नाम ही मत लो तुम। अच्छा मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं है। ए, लुच्चा लुच्चा बोले खास अरे, पसंद नहीं है। क्या हो रहा है? जोजो अभी तक तुम यही हो। लो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। क्या देखो रात बहुत हो गई, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जाओ पर नत्थू भैया मैं तो अभी जीत रहा हूँ। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, मेरा मतलब है जाओ सो जाओ भाई, मुझे भी नींद आ रही है, मुझे सोने दो। चलो अरे अरे मत करो, ये पत्ते उठो यहाँ से। Stupid idiot. हर्षा ये लड़का मुझे रॉन्ग ट्रैक पे जाता हुआ लग रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ये लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इतना घुलना मिलना अच्छी बात नहीं है, इसका एक स्क्रू ढीला है। जो भी मेरी तारीफ करता है ना तुम्हें तो उसका स्क्रू ढीला ही लगता है। अरे वो बात नहीं है हर्षा, तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही टाइम बिता रहा है?
हमेशा तुमसे चिपका रहता है। ओहो डार्लिंग, वो मेरी बहन का देवर है, मतलब मेरा देवर हुआ, और मैं टाइम नहीं बिताऊंगी तो कौन पड़ोसन टाइम बिताएगी उसके साथ। पर हर्षा, अब बस भी करो, सो जाओ। सो जाओ, इतनी जल्दी नींद भी कहाँ आएगी मुझे। मर्द बेचारे, घर में अच्छी बीवी हो तो उसकी वैल्यू नहीं, और दूसरे वैल्यू करे तो परेशान हो जाते। हाय हर्षा। अरे जो जो, ये क्या उठा लाए? आपको नहीं पता आज वैलेंटाइन डे है? वैलेंटाइन डे? ओ, वही दिन ना जब कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जाकर ग्रीटिंग कार्ड की दुकान में तोड़फोड़ करके आते। नहीं नहीं, वैलेंटाइन डे में तो लड़का अपनी मनपसंद लड़की को गिफ्ट देता है, कार्ड देता है और उन्हें इम्प्रेस करता है। अच्छा, तो ये सारी गिफ्ट्स तू चीची के लिए लाया है ना? चीची? चीची, ये तो मैं आपके लिए लाया हूँ। ओ, तो तू चाहता है जोजो के ये सारी गिफ्ट मैं अपने पति को दूं? अरे उन्हें देने से तो अच्छा है कि आप इसे कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। देखिए, मैं इतने प्यार से आपके लिए लाया हूँ, ना मत कहिएगा वरना मेरा दिल टूट जाएगा। हर्षा, हर्षा, क्या सोच रही हो? ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, प्लीज प्लीज। थैंक यू। अच्छा मैं चलूं? डार्लिंग सही कहते थे, क्या वाकई में मुमकिन है कि जोजो मुझसे प्यार करने लगा है? नहीं नहीं, चल हट पोगली कहीं की, पर अगर सच में करता हो तो? ऐसी बड़ी बेटी को। अरे चीची, ये क्या, तेरी आंखों में आंसू? रोऊंगी तो आंसू ही आएंगे ना, गेंदे के फूल तो नहीं चढ़ेंगे ना। मम्मा क्या, क्यों रो रही हो? चंदू भैया, वो जोजो है ना, उसने शादी तोड़ दी। वो कहता है कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। चलो चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अरे कहने का मतलब ये है कि उसने मना क्यों कर दिया? अभी देखता हूँ उसे। नहीं नहीं चंदू भैया, उसे कुछ मत कहना वरना बात बिगड़ जाएगी। हर्षा भाभी, आप ही समझाइए ना उसे, आप ही की तो हर बात मानता है, दिन रात आप ही की तो बातें करता है। वही तो प्रॉब्लम है। क्या? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब था कि चीची तू चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगी। हाँ, अगर वो नहीं माना तो मेरा क्या होगा? ए, चीची तुम फिक्र मत करो, तुम्हें बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, तुम निगाह उठा के देखो, कोई भी शादी के लिए तैयार हो जाएगा। अरे चुप कर नालायक, डरा मत उसे। अरे तुझसे शादी करने से बेहतर तो वो आत्महत्या कर ले। आत्महत्या? चीची चलो, मैं तुम्हें आत्महत्या करने के 101 तरीके बताता हूँ, चलो। मुझे तो चुप कर। चीची मैं उसे समझाऊंगी, रोना बंद करो। देखो तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की और कोई नहीं। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन जोजो नहीं जानता। वो भी जान जाएगा, तू फिकर मत कर, अभी घर जा जा। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ, चलो। नहीं नहीं, तुम जाओ, अकेली जाओ, जाओ जाओ। अरे रे 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 बेचारी, वो जोजो के बच्चे के कान के नीचे ऐसे बजा के देना चाहिए ना, शादी के लिए फौरन हाँ कह देगा। भैया ये फॉर्मूला लड़कियों पे काम करता है क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी लड़की के कान के नीचे रख के दूं तो क्या वो शादी के लिए हाँ कर देगी? क्या, चुप हो जा वरना तेरे कान के नीचे बजाऊंगा। लेकिन भैया मेरी तो पहले से हाँ है। चंदू भैया, चंदू भैया रुक जाइए, प्लीज रिलैक्स। ये प्रॉब्लम है ना, मैं ही सॉल्व करूंगी। ये कहानी मेरी वजह से शुरू हुई ना, मैं ही इसे खत्म करूंगी। मेरा पियो घर आयो ओ राम जी, मेरा पियो घर। हर्षा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। तुमने कहा था ना कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो। क्या? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। औरत की ना में ही हाँ होती है, बस आपको उस नत्थू को ज्यादा झेलना नहीं पड़ेगा। मैंने वकील साहब से बात कर ली है, डिवोर्स आसानी से दे देंगे। डिवोर्स? क्या बात कर रहे हो जोजो, मुझे कोई डिवोर्स वाइवोर्स नहीं चाहिए। औरत की ना में ही हाँ होती है, अब आप एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हैं,
एक दूसरी शादी कर सकती हैं। एक गलती में बार बार नहीं कर सकती, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। यानी करनी है, क्योंकि औरों की नाम ही हाँ होती है। गुजराती माँ कौन है? तो जो जो तुम मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, मैंने कहा ना मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। दिल की इच्छा को मत दबाइए, मैंने आपके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है जो आपको सर आंखों पे रखेगा। क्या? अरे तू पागल तो नहीं हो गया? वो मैं हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? 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 We'll be right back.